अब खबर राजधानी दिल्ली से। राजधानी में मंचलों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी गवाही ये तस्वीरें हैं। स्कूल जा रही एक छात्रा पर एक मंचले ने चाकू से वार कर दिया। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, फिलहाल उसका इलाज जारी है। सीसीटीवी में आरोपी की तस्वीर भी कैद हुई है। आरोप यह है कि यह लड़का पिछले कई दिनों से इस छात्रा को परेशान कर रहा था। सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस है। छात्रा के परिजनों का आरोप यह कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। लड़की के चीखने की आवाज आई है, साथ में कुत्ता भी भौंक रहा था। कुत्ता हमारे साथ गली में ही है। हमें लगा कि शायद कुत्ते ने ना काट लिया हो। तब तक मैं बाहर निकला तो लड़की नीचे गिरी हुई थी। लोग आ गए थे वैसे यहाँ पे। एक महीना हो गया परेशान करता था। नहीं, बीच में ठीक हो गया था, फिर करने लगा था। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? कुछ भी नहीं, बस एक ही बारी रिपोर्ट लिखवाई। कहते नहीं, जिस दिन रिपोर्ट लिखवाई उस दिन भी मेरी बेटी को कहता मिल गया। अपने चाचा के साथ जा रही थी, मास्टर के साथ। कहता अब छोड़ूंगा नहीं तुझे। हम पुलिस वालों को फोन करा, पुलिस वाला कहता कुछ नहीं होगा, ऐसी बोल रहा है। उसने कह दिया था मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको नीचे नहीं उतरती, कुछ नहीं, मेरी बेटी को बचा लो। आपको लगता है वो बहुत दूर है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।